these are the three steps first. How to find buyer? First is generation of the leads. पहले लीड को तो जनरेट करना पड़ेगा कि who are the prospective customers for my business. This is the first. The second is build your presence. क्योंकि जो लीड जनरेट करोगे, जैसे हमने इतना सारा अभी पीएचडी किया बायर के ऊपर, कि उसको भी मानना पड़ेगा ना आप सच में सप्लायर हो, तब जाके वो काम करेगा. एंड द थर्ड इज कि ये दोनों के बाद आता है कन्वर्जन. सो कन्वर्जन में अभी बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे. डू यू हैव योर कॉस्ट रेडी विद यू? आपको अगर कोट करना है तो उसकी कॉस्ट रेडी है क्या? उतना आपने होमवर्क किया है क्या? आप उसको कन्विंस कर सकते हो क्या? निगोशिएशन में आप कितने स्ट्रांग हो? फ्लेक्सिबिलिटी कितने रखते हो? पेमेंट टर्म्स में कितना ये है? ये सारे डिपेंडेंस आएंगे कन्वर्जन के ऊपर. सो ये तीन फैक्टर के ऊपर बायर का जो भी ये काम आगे चलता है कि बायर का कस्टमर कैसे बनेगा और आप उसके साथ कैसे काम करोगे. ठीक है, अभी ये फर्स्ट अगर हम देखें जनरेशन ऑफ लीड्स के लिए. सो पहले जनरेशन ऑफ लीड्स के लिए आप किस किस को कॉन्टैक्ट करोगे? सो फर्स्ट इज एम्बेसी, चेंबर ऑफ कॉमर्स, काउंसिल्स, मतलब एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स होते हैं, बी टू बी आएगा, ट्रेड एक्सपोज आएंगे, मार्केट विजिट, सोशल मीडिया, आगे लीड जनरेशन किया जा सकता है. तो जैसे हमने बोला फर्स्ट स्टेप लीड जनरेशन है, तो लीड जनरेशन हम कैसे करेंगे? एम्बेसी क्या है? सो फर्स्ट इज यू नीड टू कनेक्ट विद द एम्बेसी. एम्बेसी हर कंट्री में होती है, हर कंट्री की राइट. जैसे इंडिया में दूसरे कंट्री की होगी, दूसरे कंट्री की इंडिया में होगी. तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने पहले कहा एक तो प्रोडक्ट डिसाइड करो एंड दूसरा मार्केट डिसाइड करो कहाँ पे बेचना है. And then accordingly you can target to that country embassy in India and Indian embassy in that country. मतलब अगर मुझे दुबई को ही टारगेट करना है तो what I will do, दुबई embassy in India, Indian embassy in दुबई, मैं दोनों को कनेक्ट करूंगी, राइट, दोनों को कॉन्टैक्ट करूंगी, दोनों को ये भेजूंगी कि ओके दिस इज माई कंपनी, दीज आर माई प्रोडक्ट रेंज, आई वॉन्ट टू डेवलप द मार्केट इन दुबई, कैन यू प्लीज हेल्प मी बाय प्रोवाइडिंग इम्पोर्टर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स एंड सप्लायर्स. तो मैं उनको पूछूंगी, ओके, दे विल सेंड मी द लीड्स, वो मुझे फ्री लीड देते हैं, उसमें कोई चार्ज नहीं लगता, बट यू नीड टू कनेक्ट देम. एम्बेसी में मिलते हैं, ओके, आई विल शो यू दैट आल्सो. सो दिस इज फर्स्ट. द सेकंड इज चेंबर ऑफ कॉमर्स. जैसे दुबई में दुबई चेंबर ऑफ कॉमर्स है, राइट, बहुत सारे हर कंट्री में, मलेशिया चेंबर ऑफ कॉमर्स, अफ्रीका में अफ्रीका के चेंबर ऑफ कॉमर्स होंगे, हर कंट्री में चेंबर ऑफ कॉमर्स होते हैं. सो यू नीड टू कनेक्ट विद द चेंबर ऑफ कॉमर्स इन दैट कंट्री और उनको बोलो कि मुझे ट्रेड डेवलपमेंट उस कंट्री में करना है, तो हाउ यू कैन हेल्प अस. उनका काम है ट्रेड को बूस्ट करना दो कंट्री के बीच. सो दैट इज व्हाई दे आर हेल्पिंग यू. ओके, द नेक्स्ट इज काउंसिल. जैसे अभी एग्री के लिए अपेडा है, इंजीनियरिंग के लिए ईपीसी होगा, टेक्सटाइल के लिए टेक्सप्रोसिल है, तो यू नीड टू कनेक्ट विद योर काउंसिल आल्सो, क्योंकि उनका रोल ही क्या है, एक्सपोर्ट प्रमोशन. हमने बोला एक्सपोर्ट का प्रमोशन करने का काम करते हैं. बी टू बी का मतलब जो पेड लीड्स मिलते हैं, इंडिया वार्ड, एक्सपोर्टर्स इंडिया, ग्लोबल बायर्स, गो फॉरवर्ड बिजनेस, बहुत सारे बी टू बी के अभी पेड साइट से दे विल गिव यू द पेड सब्सक्रिप्शन, मंथली, सिक्स मंथली, क्वार्टरली, ऐसे सब्सक्रिप्शन देते हैं. सो यू कैन जनरेट द लीड्स थ्रू देम आल्सो. ओके, दिस इज वन. द नेक्स्ट इज ट्रेड एक्सपो. बाहर के कंट्री में जो एग्जीबिशन होते हैं बट ऑर्गेनाइज बाय द गवर्नमेंट, यू कैन पार्टिसिपेट इन दैट. और इन इंडिया ऑल्सो बहुत सारे एग्जीबिशन होते हैं, दे आर द इंटरनेशनल एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज बाय द गवर्नमेंट एंड अदर कंट्रीज आर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग. सो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ द ट्रेड एग्जीबिशन एज अ विजिटर और एज अ एग्जीबिटर. आप विजिटर बन के जाओ या फिर एग्जीबिटर बन के जाओ, बोथ वे आपके फायदा है. लेकिन अभी तक हमने कितना ऐसे प्रयास किया कि हम सच में किसी एग्जीबिशन को विजिट करें? नहीं किया हमने. सो मूव टुवर्ड्स दैट. जो भी एक्टिविटी, हाँ बताऊंगी मैं, जो भी एक्टिविटी हो, इससे हमारे बिजनेस के लिए अगर मुझे कुछ तो फायदा हो रहा है, आई नीड टू डू दैट. तब जाके थॉट प्रोसेस चलेगी ना. अगर जैसे मैं एग्जीबिशन को जाती हूँ तो उसके फायदा क्या है? फूड का जो एग्जीबिशन होता है उसमें बहुत सारे कंट्रीज के अगर स्टॉल वहां पे लगे हुए, यू आर गेटिंग द न्यू आइडियाज. हर कंट्री अलग अलग तरीके से काम कर रही है. आपके प्रोडक्ट में वो लोग क्या कर रहे हैं वो भी आपको पता चल रहा है. हाउ दे आर पैकेजिंग द गुड्स, उनका पैकेजिंग कैसा अलग है, प्रेजेंटेशन कितना अलग है, मार्केटिंग के लिए क्या कर रहे हैं, पिचिंग कैसे है उनका, राइट, वो सारी चीजें आपको वहां पे सीखने की मिलेगी प्रैक्टिकली ऑन द ग्राउंड. सो अभी से यहाँ से जितने आपके सेक्टर में एग्जीबिशन बन रहे हैं जाओ वहां. आउटसाइड कंट्री कब जा सकते हो, नहीं सकते, दैट इज अप टू यू, बट एट लीस्ट विद इन इंडिया तो यू कैन ट्रैवल.
सो डू दैट ओके, क्योंकि कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस जब तक इकट्ठा नहीं करोगे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा, तब जाके आइडियाज नहीं आएगी।